Assalamualaikum beautiful people, this is me Aisha Rizwan from Aisha Does the Beauty. Welcome back to my channel. If you have not subscribed my channel, so please subscribe it right now and click the bell icon for more exciting videos. और आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो वीडियो ये है कि आप के मेकअप जब स्टार्ट करते हैं तो आईब्रो क्यों करते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि मेकअप आईब्रो फिल किए बगैर भी अच्छा लगता है. ठीक है, वो नहीं जिनको करना आता वो ये कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कर लें और कितना फ़र्क लगेगा और अगर ना करें तो कितना फ़र्क मेकअप में लगेगा. आज मैं आपको अपनी आईब्रो में एक में मेकअप आपको आईब्रो फिल करके दिखाऊंगी. मेकअप मैंने किया हुआ है. जब आप मुझे देखेंगे कि मैंने आईब्रो फिल कर लिया और मेरा मेकअप एक साइड पे कैसा लग रहा है और एक साइड पे मैंने आईब्रो फिल नहीं किया और कैसा लग रहा है, तो आपने मुझे बताना ज़रूर है. और फिर अगर आपको ये टेक्निक सीखनी है, बाकायदा इसकी क्लास लेनी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे आपको इसकी क्लास देनी चाहिए. बताइएगा आप सीखना चाहते हैं. तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसकी ट्यूटोरियल की लेकर आऊँ. आज तो सिर्फ मैं आपको इसका फ़र्क दिखाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप अपनी आईब्रो को फिल कर लेते हैं तो मेकअप और प्यारा लगने लगता है, आप और खूबसूरत लगने लगती हैं, आपका मेकअप इन्हेंस होने लगता है. और अगर आप नहीं करते हैं तो आईब्रो गंजी लगती हैं. तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम आईब्रो को फिल करना. मेरी आईब्रो में गैप नज़र आ रहे हैं आपको, खाली खाली जगह नज़र आ रही हैं. ये देखिए यहाँ पे भी अभी मैंने दोनों में से किसी को भी फिल नहीं किया हुआ और मैं आपके सामने बिल्कुल इसको फिल करूँगी और आप देख के बताइएगा के ये आपको कैसा लगता है. तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे खाली है जगह, इनको मैं फिल करूँगी. एक साइड में आईब्रो फिल कर लूँगी और एक साइड की मैं फिल नहीं करूँगी, ताकि आप देख सकें, आपको पता चल सके कि ना फिल करने से और फिल करने से कितना फ़र्क लगता है. फिर मैं आपको इसकी क्लास भी दूंगी और फिर आपको सिखाऊंगी भी. इनको नहीं आता, बड़े इजी स्टेप्स के साथ सिखाऊंगी, तीन चार तरीकों से सिखाऊंगी, टेक्निक्स के साथ सिखाऊंगी, इजी टेक्निक्स और प्रोफेशनल टेक्निक्स. इजी टेक्निक्स वो होंगी जिनके लिए प्रोफेशनली आईब्रो को फिल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो लड़कियाँ जो घर बैठे मेकअप कोर्स करना चाहती हैं उनके लिए मैं प्रोफेशनल तरीके से सिखाऊंगी. तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पे. यहाँ पे मैं ब्रश पे प्रोडक्ट ले लूँगी. ये ब्रो जेल है, आप आईब्रो जेल यूज़ कर सकते हैं, पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मैं वो बाद में आपको सब कुछ बताऊँगी. अभी फ़िलहाल मैं आईब्रो जेल यूज़ करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को ये मैजिक करके दिखाती हूँ. ये मैंने प्रोडक्ट ले ली है, अब मैं फिल करती हूँ आईब्रो को और आपको फिर बताते हैं कि कैसी लुक आ रही है अब और पहले भी. आपको भी वाजा फ़र्क नज़र आएगा. ये देखेंगे फिल की है और ये वाली फिल नहीं की है. ये देखेंगे यहाँ पे भी गैप आपको नज़र आ रहा है, गंजी लग रही है और ये फिल हुई है. अभी मैंने इसमें कॉम नहीं किया, तो जस्ट हम ब्रश के साथ जब इसमें जो हमने प्रोडक्ट लगाई हुई है मैं उसको जस्ट ब्रश कर लूँगी. नहीं नहीं जी, फिलिंग हो गई है. एक साइड पे हमने फिलिंग कर लिया है, एक साइड पे हमने आईब्रो को वैसे ही छोड़ा है. अब आप ये बताएं मुझे इस तरफ मेकअप कितना आएगा, नीट एंड क्लीन लग रहा है, और इस तरफ आप देखें कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कुछ कमी रह गई है. अगर हम इसको फिल कर लेते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी लुक लगेगी. इससे पहले कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम आईब्रो फिल करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा प्रोडक्ट जो है वो साइडों पे फैल जाता है, तो हम उसको क्लीन कैसे करेंगे. आपने करना क्या है कि कंसीलर ले लेना है, इस तरह से कंसीलर के ब्रश को अच्छी तरह से आपने उसको साफ कर ले. ठीक है, जो लगा हुआ ज़्यादा सारा प्रोडक्ट है उसको आप इस तरह से साफ करके ना, तो ब्रश जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा. तो आपने ये देखें यूँ इधर रखते हुए इसकी बिल्कुल लाइन के नीचे नीचे आपने इसको क्लीन कर लेना है. और आईलैशेस पे लग चुका है सो कोई मसला नहीं. आपको एक क्लीन लुक मिल जाएगी.
बाद मैं इसको फिंगर की मदद से ही बिल्कुल नीचे की तरफ रखते हुए मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। ये देखें इसी तरह से ऊपर की तरफ। और इसको बिल्कुल मैं फिंगर के साथ ही इस तरह से ब्लेंड कर दूँगी। लेकिन अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो वो यूज़ कर लें जी। अब आपने ऑनेस्टली मुझे बताना है कि ये लुक कितनी प्यारी आईब्रो की लग रही है और ये बिल्कुल भी इतनी खास अच्छी नहीं लग रही, गुजारा लाइक है। उन लोगों के लिए जिनको नहीं करना था वो छोड़ देते हैं, मेकअप का ये पार्ट नहीं करते। लेकिन जब हम इस पर हैवी आई मेकअप करेंगे ना, जब हम कोई पार्टी मेकअप करेंगे और आईब्रो को फिल नहीं करेंगे तो तब ये ज़्यादा फील होगी। अभी देखिए मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया हुआ है और उस लाइट मेकअप में भी फ़र्क वाजह हो रहा है कि हमें करनी चाहिए, इससे फाइन लुक आती है। ये एक मेकअप का बेस्ट पार्ट है। तो फिर चले मुझे आप इजाज़त दें और ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि फ़र्क लग गया कि नहीं दोनों। चलो फिर मैंने दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।